गए पूजा करके, अब जा रहे हैं मंदिर पूजा करने, उसके बाद हम लोग राखी बांधेंगे, है ना रियांश? चलिए मेरे साथ है, इसमें कल फंक्शन होने वाला है लॉन में, ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बोल रही थी जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है,
मैं ऊपर जा रही, मैं मेरी आंखें इसलिए ऐसी हो रही कि मैंने थोड़ी देर ऐसे हैंडपम्प कर लिया था। चलिए देखते हैं, ऊपर से दिखाती हूँ आप लोगों को लॉन का जो वर्क हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई थी, मुझे जाना है सेकंड फ्लोर पे, इसको बंद कर देते हैं। आ गई थी मैं, अभी मैं रही हूँ ऊपर। अभी ऑनर आ गए हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और साथ ही साथ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइए। डेली डेली ब्लॉग्स हुई, डेली अपडेट ऑफ माय लाइफ। प्लांट्स लग गए हैं और ये लॉन है, यहाँ से दिख नहीं रहा है, उधर से दिखा। गाइस ये लॉन की प्रिपरेशन हो रही है कल जो इवेंट है उसके लिए यहाँ पर। हेलो, हाँ वो क्या वो बिल्डिंग नहीं ढक पाएगी ना? ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस देखिए कितना प्रिटी लग रहा है, यहाँ पे कल फंक्शन होने वाला है। सो यस, अभी मैं फटाफट घर जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। लोग ऑफिस से आ गए हैं और यहाँ पर बात चल रही है किसका लिए कैसा है, ऑरेंज खा रहा है पूरी और जैम। नहीं क्या हुआ बेटू? सो गाइस ऑफिस के आने के बाद हम लोगों को खाना पीना सब हो चुका है और मैंने एकदम बर्तन वर्तन साफ कर लिए हैं। और देखिए मेरा इस तरीके का मुझे किचन बहुत ही, मैं मेरे हैंड में मैं ऐसे ही रखती हूँ कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन मुझे किचन पसंद है। सो मेरी जो स्लैब होनी चाहिए वो इतने ही बर्तन होनी चाहिए, उस पर नो कोई एक्स्ट्रा बॉटल, नो कुछ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना किचन कि मेरे खाना खाने के बाद या दोपहर में या दिन में मैं किस तरीके से रखती हूँ। तो देखिए ओवन है ये, हम जब यूज़ करते हैं तभी हम ओपन करते हैं। ये देखिए ये ओवन है और मैंने देखो किस तरीके से अपना, और इसमें इसमें क्या होता है, इसमें ना मैं रखती हूँ एक में रिफाइंड, इसमें एक ऑयल जो कि बच जाता है वो, और इसमें थोड़े से जो चावल बच गए हैं वो है, दाल बच गई वो है, ये रियांश का खाना है। और इस तरीके से मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। ये देखिए कोई अगर यहाँ पर जो जूठा वूठा का जो कचरा बच जाता है वो तभी के तभी डस्टबिन में डाल देती हूँ ताकि जो नीट एंड क्लीन लगे। और देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है मेरा किचन। ये देखिए इस तरीके से मैं रखती हूँ और एज ऑलवेज। तो अभी खाना वाना खा लिया है और अभी बारी आई है आराम करने की। आराम तो क्या यार, अभी सोचना पड़ेगा कि आप लोग कैसे कैसे मेरी जल्दी वीडियोस देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और एक और बात होती है पता है क्या, जब आप अपने बेड को क्लीन रखते हो, अपने किचन को क्लीन रखते हो, फिर अगर आप कहीं ऑफिस से आ रहे हो या कहीं बाहर से आ रहे हो तो ना आपका जो माइंड होता है ना वो उलझा उलझा सा नहीं रहता है, आपका एकदम क्लीन क्लीन लगता है। तो उससे भी बहुत बोलते नहीं है जैसे कि आप उठो तो सबसे पहले आपको बेड अपना क्लीन करना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ें आपको क्लीन करके रखनी चाहिए ताकि जो आपका माइंड हो वो क्लीन चीज़ों की तरफ जाए। और अगर मैसी सा हो तो आपका दिमाग भी और माइंड भी मैसी सा हो जाता है। सो इसीलिए इस तरीके से रखना चाहिए। अभी बस अभी वो लोग ऊपर हैं छत पर तो वो लोग आते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे नितेश की शर्ट पर प्रेस भी करनी है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर प्रेस करती हूँ।